हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं सीट रिलैक्स के लिए सेंटर लॉकिंग सिस्टम, जो आप अपनी गाड़ी रिमोट से स्टार्ट कर सकते हो। तो पूरी फिटिंग वीडियो में दिखाने वाला हूं मैं आपको, आप वीडियो में अंत तक के बने रहें। गाइस, आज ऐसी वीडियो लेके आया हूं आपके लिए सेंटर लॉकिंग की। आपको रिमोट वगैरह बिल्कुल सेल्फ स्टार्ट होगी रिमोट से। आप कोई सी बाइक में लगा लीजिए, स्प्लेंडर हो, सीट रिलैक्स हो, अपाची हो, तो गाइस कोई सी भी गाड़ी में लगा लीजिए। तो वीडियो में अंत तक के बने रहें। तो गाइस आप देख सक रहे हैं, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ रेड तार और ब्लैक तार। ये तो आपको सिंपल से पता ही होगा, ये तो बैटरी की वायर होती है। उसके बाद मैं सेल वाली वायरिंग दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर तुम्हें कोई भी कटआउट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस अलग से सप्लाई बनानी है। मैं बता देता हूँ सप्लाई कैसे बनानी है। कटआउट वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं जो उसके मेन तार थे वो हमने हटा दिए हैं, इसकी अलग से सप्लाईज बनाई है हमने, जो ब्लू वायर है और एक और वायर है जो साइड वाली, उसकी दोनों की सप्लाई हमने अलग बना दी है। तो उसका कनेक्शन मैं बताने वाला हूँ आपको, कहाँ कहाँ कौन सी तार लगानी है। तो बिल्कुल सी आपको सिंपल तरीके से बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं ये आ गए हम सेल्फ की वायर में। तो दो तार मिलती है हमें सेल्फ की, एक इधर मिलेगी और एक उधर मिलेगी। तो दोनों तार को हमें क्या करना है, एक तार में हमारी ब्लू वाली वायर जोड़ देनी है और दूसरी तार हमारी इग्निशन स्विच में देनी है, और रहेगी हमारी ये ऑरेंज कलर की तार, इसको भी बता देता हूँ मैं आपको कहाँ देनी है। इसको ये हमारी ऑरेंज वाली वायर बता देता हूँ मैं आपको कहाँ लेनी है। तो चलिए हम इग्निशन स्विच की तरफ चलते हैं। ये इग्निशन है हमारा, इग्निशन में आपको मिलेगी चार तार का इग्निशन है इसमें, BS6 में। तो इसमें इग्निशन में ब्लैक कलर की तार है जो कि रेड करने की मिल जाएगी आपको, ऑरेंज तार इसमें डाल देनी है सीधी। और अब मैं रिले दिखा देता हूँ आपको। ये रिले है हमारी सेल्फ की, इसके हमने ओरिजिनल जो कनेक्शन थे वो हटा दिए हैं, इसके अलग से सप्लाई बनाई है हमने। तो पहला जो तार मिलेगा हमें वो दिखा देता हूँ हमने कहाँ दिया है, जो आपके घेर में भी स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी, तो इसको दिखा देता हूँ मैं कहाँ देना है इसको। अब वरना अगर आपको ये तार यूज़ नहीं करोगे या ये तार कहीं भी अर्थिंग वगैरह में लगाओगे तो गाड़ी घेर में भी स्टार्ट होगी। तो इसको लगाना है आपने न्यूट्रल वाली तार में। ये देख सकते हैं न्यूट्रल की तार है जो हमारी इंजन से आ रही है। इसको जो रिले का तार है, एक तार हमें न्यूट्रल में लगा देना है। तो ये देख लिया, बहुत सिंपल सी फिटिंग है गाइस, इसमें कटआउट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सेल मार के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो पूरी फिटिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बता दिया आपको। रिले में दो तार मिलेगी आपको, आप ध्यान से देखना, रिले में दो सप्लाई बनाई है हमने। एक जाएगी हमारी सीधा सेल्फ में, सेल्फ का जो मुट्ठा होता है उसमें वायर, और दूसरा जो मुट्ठे की तार बसती है वो जाएगी हमारी ब्लैक तार, कोई सी भी करंट की तार में लगा दीजिए उसे, कहीं भी ब्लैक तार वैसे करंट आते हैं हीरो की गाड़ी में, तो आप वहाँ लगा दीजिए। और जो दूसरी हमारी सप्लाई होती है रिले की, उसको लगानी है हमें कहीं में न्यूट्रल स्विच में। ऑरेंज तार लगानी है आपको, कहाँ लगानी है ऑरेंज तार, ऑरेंज तार लगानी है आपको इग्निशन स्विच में, जो कि ब्लैक तार रेड करनी है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा मैं। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके जरूर जाना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहूँ। थैंक यू।